नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आया आपके सामने इग्नू असाइनमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, अक्सर मैंने जो प्रॉब्लम फेस की अपनी लाइफ में, मैं नहीं चाहता आप भी वो प्रॉब्लम फेस करें, तो इसीलिए अपने चैनल पर ऐसी चीजें लेकर आया हूँ जो हर एक स्टूडेंट की हेल्प करे। तो ये मेरे द्वारा कलेक्ट किए गए असाइनमेंट्स हैं। इसके अंदर क्या खास बात है, आप बस शुरू की 2 मिनट की वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि इसमें ऐसा क्या खास है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अक्सर जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो वहां पर आपको असाइनमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। अब वे असाइनमेंट्स आप सोचते क्या है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आप वर्किंग कंडीशन में होते हैं, आप जॉब में होते हैं, तो आप असाइनमेंट्स या तो कहीं से परचेज करते हैं ऑनलाइन, या कहीं से डाउनलोड करते हैं, या फिर रिटिन हैंड रिटिन जो असाइनमेंट्स है उनको कलेक्ट करते हैं, ठीक है, परचेज करते हैं ऑनलाइन, वो घर पे आपके कुरियर के द्वारा आ जाता है। लेकिन क्या आपको मार्क्स उस लेवल के मिल पाते हैं उन असाइनमेंट से, 80+, 85+, 90+? नहीं, बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि जब आप असाइनमेंट्स ऑनलाइन डाउनलोड करें, वहां से कॉपी करें और आपको 90+ से 80+ असाइनमेंट में मार्क्स मिले। राइटिंग का तो अपना अलग इश्यू है ही, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका असाइनमेंट होता है वो टोटली इग्नू की बुक से बना होना चाहिए। अगर आपका असाइनमेंट इग्नू की बुक से नहीं बना है, स्टैंडर्ड बुक से जो इग्नू प्रोवाइड कराता है, तो आपके मार्क्स काट ले जाते हैं। तो इसी को देखते हुए अब मैं सीरीज लाऊंगा, इग्नू के जितने भी कोर्सेज है सबके असाइनमेंट्स लेकर आऊंगा, पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराया करूंगा, हार्ड कॉपी में उनका यहां पर रिव्यू किया करूंगा। अगर ये सब देखना है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये असाइनमेंट है, पहला असाइनमेंट की सीरीज है ये, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा जरूर लगेगा। जैसे ये बीएजी जो बैचलर इन आर्ट जनरल सीएस जो मोड होता है सेमेस्टर वाइज, उनका सब्जेक्ट है हिंदी भाषा लेखन कौशल, और इसका जो कोर्स कोड है वो है BHDLA 136, और ये सेशन 2023 और 24 के लिए है। जिन्होंने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है या जो जनवरी 2024 में एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए असाइनमेंट बनाया हुआ है। इनका सॉल्यूशन मैंने कलेक्ट कैसे किया है, पहले ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने ये असाइनमेंट का जो पेपर है वो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया, उसके बाद उसका क्वेश्चन देखा और उस क्वेश्चन को लेके इग्नू की स्टैंडर्ड बुक से रिसर्च स्टार्ट की। रिसर्च स्टार्ट करते करते इसका प्रॉपर आंसर वहां से नोट डाउन किया, उसको मैंने यहां पे कलेक्ट किया। हर एक क्वेश्चन को मैंने इग्नू की बुक से लिया है, कहीं से इंटरनेट से कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इग्नू की बुक से ही वो क्वेश्चन और आंसर कलेक्ट किया गया है। दूसरी बात आपको बता दूं कि ये पॉइंट टू पॉइंट है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है इग्नू की असाइनमेंट में और आपने आंसर कुछ और दे दिया है। ऐसा बहुत से असाइनमेंट देखा जाता है कि क्वेश्चन तो कुछ और है, उन्हें क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता, फटाफट कॉपी पेस्ट करने के लालच में वे कुछ भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है जो उस असाइनमेंट को ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं, टेलीग्राम से डाउनलोड करते हैं, किसी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। तो इसके अंदर प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मैंने खुद से कलेक्ट किया है, तो इसलिए काफी मेहनत लगी है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू। तो सबसे पहले यहां पर जो पहला प्रश्न है वो है कि वाक्य तथा वार्तालाप की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, या फिर आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं समाचार की भाषा का विस्तृत वर्णन कीजिए। अच्छा, इनके दोनों के अंदर जिसमें हमें लगता है कि इसमें मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे तो उस पर हम जोर डालते हैं, विशेषताओं में और जो समाचार की भाषा है उनमें समाचार की भाषा ज्यादा नंबर गेन करता है, तो इस टॉपिक को हमने लिया है। तो देखिए समाचार की भाषा टोटल इग्नू से लिया गया है ये मटेरियल, और यहां से आप देख सकते हैं समाचार की भाषा के बारे में यहां पर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यहां तक ये 20 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, और 20 नंबर का प्रश्न यहां पर खत्म हो जाता है, आप देख सकते हैं, और सब कुछ कवर किया गया है, पॉइंट टू पॉइंट कवर किया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे पेजेस भरने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, फंड काफी बड़े लिए गए हैं ताकि आपको पढ़ने में इजी रहे। अगर पीडीएफ से या मोबाइल से भी कर रहे हैं तब इजीली आप इसको समझ सके। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जाइए और उसमें सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए, ये आपका कोर्स कोड है BHDLA 136, या BHDLA डाल दीजिए 136
अपने आप आ जाएगा, और वहां से इसको पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड कर लीजिए, और वहां से या तो प्रिंटआउट निकलवा लीजिए, ठीक है ना, 20 पेजेस का है ये, 20 पेजेस में लगेंगे, या फिर आप पीडीएफ के द्वारा ऑनलाइन मतलब डायरेक्टली अपने असाइनमेंट में कॉपी कर लीजिए। जैसे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्णात्मक लेखन का विवेचन कीजिए या फिर सरकारी पत्राचार के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए। आपको हम बता दें, प्रकार का जहां भी आएंगे वो सबसे ज्यादा नंबर गेन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो प्रकार हो गए वो आप सारे नोट डाउन करोगे तो पॉइंट वाइज आपको नंबर मिलते चले जाएंगे। लेकिन विवेचन कीजिए, थ्योरेटिकल सिस्टम है, इसमें आपको इतने नंबर नहीं मिल पाते। तो हमने सरकारी पत्राचार के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डाला यहाँ पे, तो यहाँ पर प्रकार आ चुके हैं और एक एक प्रकार का अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया गया है। आपको हम बता दें, अगर आपको ज्यादा मतलब आपको लगता है कि काफी ज्यादा मैटर, हमने इस तरीके से असाइनमेंट तैयार किया है कि आपको बटे में से बटे नंबर मिले, मतलब 20 में से 20 नंबर मिले, लेकिन आपको लगता है कि मुझे इतना नहीं लिखना, तो आप थोड़ा थोड़ा इसमें से कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर 8 पॉइंट है, आप 5 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है ना, वो आपकी अपनी कैपेसिटी, आपके पास कितना टाइम है, कितना आप टाइप कर सकते हैं, कितना आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सरकारी पत्राचारों के प्रकार दिए गए हैं और विद एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है ना, और जैसे ये खंड क्या खत्म होता है 20 नंबर का, तब आपका खंड क्या शुरू होता है, ठीक है ना। इसमें जो अगला प्रश्न है, अनुवाद के व्यवहारिक ज्ञान का वर्णन कीजिए, तो अनुवाद का जो व्यवहारिक ज्ञान है, एग्जैक्ट जो हेडिंग है इग्नू की बुक से वो लिया गया है और यहां पर बता दिया गया है व्यवहारिक ज्ञान क्या है। इसके अंदर बीच बीच में एग्जांपल्स दिए गए हैं, और अगर आपको लगता है एग्जांपल्स ज्यादा नहीं करने, एक दो एग्जांपल्स आप कर सकते हैं, ये मतलब इससे आप अपने अनुसार कमियां ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट है, जो इतना करेगा उसको तो 90 प्लस मिलने हैं, और जो मतलब, लेकिन ध्यान रखना 90 प्लस की बात वही होती है, थोड़ी सी राइटिंग का भी आप ध्यान रखना पड़ेगा कि राइटिंग का जो इंप्रेशन है वो अलग ही पड़ता है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, आगे आप चलते हैं, तो अगला प्रश्न आ चुका है, प्रभावी लेखन के प्रमुख गुणों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर आपके जो लेखन है उनमें क्या क्या अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, भाषा पर अधिकार होना चाहिए, शब्दावली अच्छी होनी चाहिए, वाक्य विन्यास अच्छा होना चाहिए, ठीक है, शैली अच्छी होनी चाहिए, मुहावरे लोकोक्तियां का समुचित प्रयोग होना चाहिए, अलंकारिता होनी चाहिए, ठीक है ना, व्याकरणिक शुद्धता होनी चाहिए, अर्थ और भाषा में अनविति होनी चाहिए। और अगला प्रश्न है, रिपोर्ट लेखन को सौधारण विवेचित कीजिए। तो रिपोर्ट लेखन के बारे में यहाँ पर आपको अच्छे से समझाया गया है, दिया गया है। अगला प्रश्न है, आख्यान परक लेखन की जो विशेषताओं का वर्णन आपको करना है, तो यहां पर आपको अच्छे से वर्णन दिया गया है। तो अगले प्रश्न की ओर अगर हम चलते हैं, अगला प्रश्न है, तार्किक लेखन का तात्पर्य क्या है, तो यह तार्किक लेखन के बारे में आपको बताया गया। ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक्चुअली जो फंट है वो काफी बड़े लिए गए हैं, इसलिए आपको ये काफी भरे भरे पेज लग रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, समाचार प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से है, कहां से हमें समाचार प्राप्त होता है, तो यहां पर एक कुछ एजेंसियां दी गई है, यहां तक आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, वार्तालाप पर चर्चा कीजिए, तो वार्तालाप पर चर्चा की गई है इसके अंदर। और इसके बाद आपको जो अंतिम प्रश्न देखने को मिलता है वो मिलता है, वर्णात्मक लेखन से क्या तात्पर्य है, ये आपका इसका आंसर हो गया। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसका यहाँ पे आंसर हो गया, सब कुछ करोगे, इनू के बुक के अकॉर्डिंग है, तो आप छपोगे 3-4 पेज तो कोई फायदा नहीं है, जितना पूछा गया आपको उतना ही आंसर देना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये असाइनमेंट है, और इसकी पीडीएफ कॉपी मैं टेलीग्राम में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। आपको फालतू दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से खरीदने की आवश्यकता नहीं है, एक कॉपी जो हर जगह बढ़ती है उसको वहां से डाउनलोड करके लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इसी प्रकार के सारे असाइनमेंट के सॉल्यूशन मैं लेके आऊंगा आपके लिए, पीडीएफ की फॉर्म में भी लेके आऊंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ के साथ लेक्चर्स भी लेके आऊंगा इग्नू के, जो बच्चों के लेक्चर्स कहीं नहीं मिल पाते हैं ऑनलाइन, उनके भी लेक्चर्स लेके आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।